देखते हुए कि जो हमारी नेपाल सीमा है उसके जो वहाँ हमारी इंटरनेशनल चेक पोस्ट है, हमारी पुलिस की चौकी है, हमारी सशस्त्र सीमा बल की जो है एसएसबी की सीमा चौकियाँ हैं, तो यहाँ पे क्या इश्यूज हैं, बॉर्डर के क्या इश्यूज हैं, हमारे जवानों की क्या समस्याएं हैं, उसके जानकारी लेने के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। देखिए ये जो आप सभी जानते हैं थोड़े पुराने इश्यूज हैं नेपाल की सीमा से लगे हुए, और इनमें जो बेस्ट पॉसिबल है वो करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए मैंने एसएसबी के अधिकारियों को भी बुलवाया है जिससे हम उनके साथ बैठ करके इन सभी इश्यूज को सॉर्ट आउट कर सकें। सर, पुलिस को हाईटेक करने की बात की तो लगातार आप जब से डीजी बने इसका प्रयास कर रहे हैं और 2023 तक का आपका समय दिया, तो क्या आपका प्रयास है, क्या रोड मैप है कि पुलिस हथियार की बात हो चाहे अन्य टेक्नोलॉजी की बात हो, पुलिस को उत्तराखंड की हाईटेक की? मेरा टारगेट है पुलिस को स्मार्ट बनाना, संवेदनशील बनाना, आधुनिक मतलब सेंसिटिव एंड स्ट्रिक्ट, मॉडर्न एंड मोबाइल, ज़्यादा मोबिलिटी बेटर करना, उनके इक्विपमेंट बेटर करना, उनके वेपन्स बेटर करना, उनकी यूनिफॉर्म बेटर करना, इस सब का हमने एक पूरा रोड मैप तैयार किया है और उसको कई चीज़ें हमने रोल आउट भी कर दी हैं, बाकी चीज़ें भी जल्दी रोल आउट हो जाएंगी।